अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को ग्वालियर में भी मनाया जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन की स्थानीय इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्नीलाल शर्मा और डायरेक्टर संजय बामी ने बताया कि द्वारका गार्डन पिंटो पार्क में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि संस्था का उद्देश्य मानव हितों की रक्षा करना एवं शोषित समाज के उत्थान हेतु निरंतर कार्य करना है। पूरे भारत में 10 लाख से अधिक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी नियुक्त हैं जो पूरे भारत में मानव हितों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि गरीब बीमारों को शिविर लगाकर उनका फ्री चेकअप एवं निःशुल्क दवा वितरण भी कराई जाती है। कोरोना में निरंतर दवा वितरण एवं भोजन वितरण का कार्य 30 दिन तक निरंतर किया गया था। मैं डॉक्टर एमएल शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव अधिकार सेवा संगठन भारत। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो जनसेवा है वो जनसेवा का उद्देश्य और उसके जो नियम है वो जन जन तक पहुँचे कि मैं जनता के लिए और गरीब के लिए क्या करने के लिए संकल्प लेके आगे बढ़ रहा हूँ। तो बिना मीडिया के कोई भी संगठन आगे अपने कदम नहीं बढ़ा सकता है। कितनी आवाज़ पहुँचाओगे? नहीं पहुँचा पाओगे। इतने आदमी कहाँ हैं जो अरबों की संख्या में भारत की जनता है, तो हम अपनी इतनी बड़ी ताकत नहीं कि हम उन तक पहुँच। इसीलिए हमें मीडिया का सहारा तो बहुत ही ज़रूरी है। बिना मीडिया के हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए मीडिया बुलाइए। मेरा मुख्य उद्देश्य हमारे संगठन का है कि नीचे के तबके से काम करना है। हमें गांव के उस छोर तक जाना है जहां गरीब को यही पता नहीं है कि दाल का क्या भाव है, मिठाई का क्या भाव है, गुड़ का क्या भाव, कौन कौन सी चीज़ कहां से कैसे मिलती है कोई पता नहीं है, और उनके हक को कौन खा रहा है उनका। मैंने कई जगह ये जाके देखा कि जो उन्हें शासन ने सुविधा के लिए राशन कार्ड बनाए हैं, तो वो गरीबों ने क्या किया है कि अपने राशन कार्ड साहूकारों के यहाँ गिरवी रख दिए हैं, और साहूकारों ने उन्हें 1,000-2,000 रुपए में वो दे के। किस तरह का कार्यक्रम रखा है आपके? इस कार्यक्रम का कब कार्यक्रम रखा होगा? हमारा कार्यक्रम जो है अभी हमारे पूरे भारत के वॉलंटियर ग्वालियर में पधार रहे हैं, और जो हमारा कार्य स्थल है वो द्वारका गार्डन भिंड रोड पिंटू पार्क के ठीक सामने है, वहाँ सभी लोग स्थित होंगे। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माई आशुतोष शर्मा जी, दूसरे हमारे भारत सिंह कुशवा जी, और भी जो 5 मंत्रियों की हमारा 10 तारीख को और 11:30 बजे से 5 बजे तक का आयोजन है। हमारे गेस्ट छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, मुख्यतः हमारे आशुतोष तिवारी जी हैं, मंत्री जी के नवोत्तम के प्रतिनिधि भी हैं इस समय, क्योंकि वो कहीं बाहर जा रहे हैं, तो डबल मंत्री हैं इस समय हमारे आशुतोष जी, और भारत सिंह कुशवाहा जी हैं, ओपीएस भदौरिया भी आने को। मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी बात को उस जगह तक पहुँचा सकें कि जहाँ उसे पहुँचनी चाहिए, जन जन तक पहुँचाना मेन उद्देश्य हमारा जी है। ठीक है, ठीक, थैंक यू।